हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको डाउट रहता है कि मेकअप से पहले हमें स्किन को कैसे केयर करना है, स्किन की टेक केयर कैसे करनी है। चलो ट्राई शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले अपना जो भी क्लींजर है, फेस वॉश है, उसको करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी डस्ट है, जो भी डस्ट पार्टिकल है, सैलम हमारी स्किन से रिमूव हो जाए। वो करने के बाद मैंने यहाँ पे वेट वाइप से अपनी स्किन को फिर से किया तो आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट फिर भी आ गया था। इसीलिए गाइस, स्किन को बहुत ही अच्छी तरह क्लीन करना है ताकि मेकअप हमारा लॉन्ग स्टे रहे, फ्लॉलेस रहे। इसके लिए स्टेप बहुत कंपलसरी है। सेकंड जो है टोनर। टोनर की मैं अगर बात करूँ तो जो हमारी स्किन में पीएच बैलेंस रखता है, हमारी जो इनलार्ज्ड पोर्स है उसको मिनिमाइज करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेशन पे भी रखता है। तो गाइस, इसको करने के बाद अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने देना, तभी नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाना है। हर कोई प्रोडक्ट लगाने से पहले आपको सेकंड के लिए वेट करना है ताकि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा आ जाता है मॉइस्चराइजर। आप चाहे लाइट मेकअप करो, चाहे हैवी मेकअप करो, मॉइस्चराइजर आपका जो स्टेप है बहुत कंपलसरी रहने वाला है। लाइट मेकअप करते हो तो क्लींजर के बाद आप डायरेक्ट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, और बाकी हैवी कर रहे हो तो सारे स्टेप करो, वो कंपलसरी है, उससे आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। मॉइस्चराइजर की बेनिफिट की बात करूँ तो अपने ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है, एजिंग साइन को स्लो करती है, एक्ने से फाइट करती है, सन से प्रोटेक्ट करती है। आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है, तो ये ज़रूर आपको अप्लाई करना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन हम सोचते हैं कि क्यों लगाना है, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन हमारे, हम अगर बात करें समर विंटर हर मौसम में सनस्क्रीन लगाना फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बेनिफिट की बात करें तो ये हमारी सनबर्न से स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो स्किन कैंसर है रिस्क को रिड्यूस करता है, और हमारी जो साइन ऑफ एजिंग है इसको भी रिड्यूस करता है। तो इसको ज़रूर अप्लाई करना है, इसको अपने स्किन केयर में ज़रूर ही ऐड ऑन करना है। अब इसके बाद मैं बात करूँ प्राइमर की, तो प्राइमर जो है वो हमारी जो पोर्स है उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करता है, फाउंडेशन को लॉन्ग स्टे रखता है और हमारे फाउंडेशन को अंदर तक जाने नहीं देता, और हमारा जो फाउंडेशन जो मेकअप है वो लॉन्ग स्टे रहता है। तो गाइज, जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया अपने स्किन के हिसाब से वो आपको अभी ऊपर दिख रहे होंगे जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। तो चलो, अगर आप नॉर्मल है लाइट मेकअप कर रहे हो तो बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो, हैवी कर रहे हो तो फाउंडेशन करना है। तो फाउंडेशन यहाँ मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। डॉट डॉट करके इस तरह से अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इस तरह से लगाना है। तो फाउंडेशन लगाते ही आप मेरी स्किन में चेंज देखेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैंने अपनी स्किन की जो केयर की है, स्किन की टेक केयर जो पहले प्रेप किया है स्किन को, वो इतना अच्छा कर लिया कि ऑब्वियसली आपका जो फाउंडेशन है, आपका बेस है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसी पे आपका डिपेंड करता है। जो प्रॉब्लम्स होती है लॉन्ग स्टे की, ग्रे क्यों हो जाता है फाउंडेशन या क्रैकी क्यों हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम सारी आपकी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं। तो गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप, और एक चीज़ और है, फाउंडेशन और कंसीलर हो गए जो भी प्रोडक्ट है वो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है, अदरवाइज़ वो भी एक कारण है कि वो रीज़न हो सकते हैं। कंसीलर उसके बाद अप्लाई कर लिया तो अब अपना लास्ट में आपको दिखा देती हूँ मेकअप कि कैसा लग रहा है। आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कितना अच्छा मेकअप आया है। तो इस तरह से ट्रिक अपना के आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, फ्लॉलेस, क्रैकी ना हो, बहुत सी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। गाइस, कैसी लगी? होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत यूज़फुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।